अभी आपको बताएं कि सेशन अदालत में अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हित्तक की इज्जत केस की समाप्त। अदालत ने मीशा शफी पर जुरा के लिए वकला को तलब कर लिया। अली जफर के वकील ने मीशा शफी की तरफ से अपलोड की गई तस्वीर पेश कर दी। मीशा शफी ने मीडिया टॉक में गलत बयानी का एतराफ कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जी, आज सेशन अदालत में अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हित्तक की इज्जत केस की समाप्त हुई और अदाकार अली जफर आज खुद अदालत में पेश हुए। मीशा शफी पर जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है वो जिरह की गई। जब पहले स्टार में जिरह शुरू हुई तो मीशा शफी जो है वो तकरीबन स्टार में पहले सवाल के बाद ही जो है वो ऑफलाइन हो गए और फिर तकरीबन 5-7 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा जो है वो वीडियो लिंक को ज्वाइन किया। मीशा शफी की एक तस्वीर अदालत में पेश की अली जफर के वकील ने, जिसमें उनका ये कहना था कि आपने इसी तस्वीर को जिंसी हरासगी का नाम दिया जबकि यही तस्वीर आपके फेसबुक अकाउंट पर अपलोड है और उसके नीचे आपने लिखा हुआ कि आज हम इस हवाले से पार्टी करेंगे, तो ये तस्वीर इस कैप्शन के साथ आपने अपलोड की, उसके बावजूद जो है वो कैसे आप इसको जिंसी हरासगी कह सकते थे। अदालत में मीशा शफी का फेसबुक अकाउंट खोलकर जो है वो दिखाया गया कि किस तरह तस्वीर अपलोड होगी थी। इसके अलावा एक अहम मैटर आज ये भी था कि मीशा शफी के से जिरह की गई कि आपने कई बार जो है वो मीडिया टॉक में ये कहा कि मुझे सिर्फ मीडिया के जरिए इत्तला मिल रही है कि अदालत ने समन किया है, जबकि अदालत ने आपको मुख्तलिफ मौके पर समन किए और ये वो कोर्ट आर्डर भी अली जफर के वकील ने उनके सामने पेश किए। तो मीशा शफी का ये कहना था कि उन्होंने गलती से मीडिया टॉक में जो है ये जुमला कह दिया था। तब अली जफर के वकील का ये कहना था कि आपने अदालती अहकाम के मुतालिक जो है वो जानबूझकर मीडिया में गलत बयानी की। अदालत ने आज जो है वो मजीद अब समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दिया है और मीशा शफी पर वीडियो लिंक के जरिए जिरह करने के लिए वकला को दोबारा तलब कर दिया। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आबिद।